नमस्कार, मैं स्नेहा राउत, बीएस क्राइम इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। जयपुर से प्रहलाद शर्मा की खास खबर पर एक नजर। जयपुर महाखेल 2019 का भव्य आगाज केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का खेलों के प्रति लगाव व निष्ठा के उदाहरण के रूप में उनकी मेहनत रंग ला रही है। जयपुर ग्रामीण संसदीय क्षेत्र में 100, 1.5 हजार व 3 हजार मीटर की दौड़ तथा रस्साकशी खेलों की जिला स्तरीय प्रतियोगिता का शुभारम्भ हुआ। प्रतियोगिता के प्रथम चरण में सोमवार को जयपुर ग्रामीण की समस्त गाँव, ढाणियों व कस्बों में प्रतियोगिता ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता को लेकर लोगों में एक खास तरह का उत्साह देखने को मिला। वे खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते नजर आए। इसी कार्यक्रम को देखने हमारे चैनल की टीम ने भी जयपुर ग्रामीण संसदीय क्षेत्र के खेलों का अवलोकन किया। इटावा गाँव में प्रतियोगिता का आयोजन शारीरिक शिक्षक झाबल सिंह, प्रधानाचार्य जितेंद्र मान, बजरंग फौजी, भीवाराम जी, हरि सिंह आदि की देखरेख में हुआ। ग्राम पंचायत स्तर पर विजेता खिलाड़ियों का मुकाबला अब क्रमशः विधानसभा व लोकसभा स्तर पर होगा। मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि सभी श्रेणी के विजेताओं को मोटरसाइकिल, स्कूटी, लैपटॉप, मोबाइल तथा नकद राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी। ग्रामवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि वो अपने इस खेल कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और हिंदुस्तान को उस मुकाम पर ले जाएं जहां हम ये गौरव के साथ कह सकें कि हमारा देश खेल में पूरे विश्व में शिखर पर है। जयपुर महाखेल 2019 के अंतर्गत ग्राम पंचायत इटावा स्तर पर इस महाखेल का पंचायत स्तर का आयोजन बड़े ही शानदार और बड़े ही अनुशासन पूर्वक संपन्न किया गया, जिसमें सभी गांव के दोनों गांव इटावा और कोनपरा के प्रतिभागियों ने, ग्रामवासियों ने खेल मैदान इटावा बस स्टैंड पे आयोजन में शामिल होकर के बहुत अच्छा शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें करीब 500 प्रतिभाएं एकत्रित हुई, जिनका बारी बारी से ग्रुप बना करके उनका खेल की प्रतिभा का जो है फाइनल प्रथम द्वितीय का चयन किया गया, जिसमें करीब पूरा दिन भर लगने के बाद जो प्रतिभाएं इन सभी प्रतिभागियों से 24 प्रतिभाएं जो निखर के आई हैं उनको पंचायत समिति स्तर पर आगे के खेल के लिए भेजा जाएगा। इस खेल की कड़ी में माननीय राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब का एक ही ध्येय है कि ग्रामीण प्रतिभाएं जो है निखर करके आगे आएं, उनको मौका मिले, उनको प्लेटफार्म मिले। तो हम सभी ग्राम के वासी, सभी गांव के लोग इन बालकों की तरफ से और माननीय मंत्री जी मोदी की तरफ से साधुवाद देते हैं कि ऐसी प्रतिभाएं जो है आगे जाके अपना प्रदर्शन सही तरीके से संपादित करें। जय हिंद, जय भारत।